ओ भाई फ्रॉम शाहजहांपुर। और आज यात्रा का हमारा दूसरा दिन है। अगर मैं कल की बात करूं तो मैं बता दूं आपको कि कल मैं घर से चला था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए मैं लखनऊ पहुंचा और लखनऊ से फिर हरदोई होते हुए मैं आज शाहजहांपुर पहुंचा हूं। और ये जो मेरी यात्रा है वो चार धाम की यात्रा है। अगर आप शुरू में नहीं देखे होंगे तो आप मैं बता दूं आपको कि ये चार धाम की यात्रा मैं सोलो राइड कर रहा हूं और अभी मैं हूं शाहजहांपुर में। तो ऑल सेट और टाइम हो रहे हैं 8:30, 8:30 बज गए हैं और अब यहाँ से निकलने की तैयारी है। तो फाइनली ये है शाहजहांपुर। और रात में तो काफ़ी तकलीफ़ हुई मुझे होटल ढूंढने में, क्योंकि मैं उस साइड में था। चलिए फटाफट निकलते हैं शाहजहांपुर से। तो फाइनली अभी हम लोग बरेली हाईवे पे हैं, जो कल मैं इस हाईवे को छोड़ के शाहजहांपुर सिटी के अंदर गया था रूम लेने के लिए, क्योंकि इस पे कोई होटल वगैरह मिल नहीं रहा था। तो सिटी से निकल के मैं अब हाईवे पे आ गया हूँ और ये हाईवे सीधा बरेली होते हुए मुरादाबाद लेके जाएगी और फिर वहाँ से हरिद्वार। तो फाइनली अभी हम लोग बरेली को बाईपास कर रहे हैं और इस साइड बरेली सिटी है और ये हाईवे बरेली सिटी के बाहर बाहर लेके आया है बाईपास करके। तो ये है बरेली और एक है राय बरेली। तो राय बरेली नहीं, ये बरेली है और शायद इसी पे एक गाना भी बना हुआ है कि झुमका गिरा रे, अरे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा झुमका। तो इस शहर को देख के बस वही गाना याद आ रहा है। और ये फ्यूचर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये कोई हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन है, फ्यूचर हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर इस साइड। तो भाई ये है बरेली जहाँ झुमका गिरा था। पता नहीं यहाँ झुमका कैसे गिर गया था। खैर कोई बात नहीं, अभी हरिद्वार हमें ट्रैवल करना है। 275 किलोमीटर टाइम बता रहे हैं गूगल बाबा, 6 घंटे के आसपास। और बस सामने है टोल प्लाजा, लेकिन भाई बाइक का टोल प्लाजा तो यहाँ पर टोल लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो एक्सप्रेसवे है नहीं। लेकिन ये एक्चुअली बंद है, किसी का टोल नहीं लग रहा है, या फिर चालू होने वाला है पता नहीं। तो यहाँ पे छोटा सा हॉल्ट लिया, चाय पिया, बिस्किट खाया और हम निकलते हैं।
यहाँ से अभी दिल्ली 167 किलोमीटर और मुरादाबाद 9 किलोमीटर। तो हम लोगों को ये रोड छोड़कर मुरादाबाद रोड में जाना होगा, क्योंकि ये रोड सीधा दिल्ली चले जाएगी और हम लोगों को हरिद्वार जाना है। मुरादाबाद शहर 9 किलोमीटर, काशीपुर 58, हरिद्वार 172। तो फाइनली हरिद्वार का नाम दिखा और ये मुरादाबाद सिटी से होते होते जाएंगे हम लोग। तो भाई किसी शहर को पार करने में तो एकदम पसीने छूट जाते हैं। और ये है मुरादाबाद जंक्शन, काफ़ी ट्रैफिक मत पूछिए इधर है मुरादाबाद जंक्शन। ओ भाई फाइनली मुरादाबाद को क्रॉस कर लिया, काफ़ी ट्रैफिक, काफ़ी हैक्टिक था। और अब मैं सोच रहा हूँ अब स्टॉप ले ही लूँ, क्योंकि भूख लगने को आई है। तो फाइनली एक ढाबा मिला, गुरु नानक ढाबा। नूरपुर से हम लोगों को फिर यहाँ से नजीमाबाद के लिए जाना है। गंगा नदी है। फाइनली स्वागत है आपका देवभूमि में। ब्रेकर ने स्वागत किया। तो अब यहाँ से हरिद्वार जो है हर की पौड़ी 28 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल बाबा। और अब हम लोग उत्तराखंड में है एक बार फिर से, और ये उत्तराखंड का मेरा दूसरा ट्रिप होगा। एक ट्रिप मैंने किया था कुमाऊँ रेंज का। उत्तराखंड को बेसिकली दो पार्ट में आप बोल सकते हैं, एक कुमाऊँ और एक गढ़वाल। तो कुमाऊँ रेंज का मैंने ट्रिप किया था, जिसमें मैंने हल्द्वानी से होके नैनीताल और मुनस्यारी तक जॉल जीबी वगैरह खत्म किया था। तो वो भी काफ़ी एडवेंचरस ट्रिप था, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और ये है मेरा दूसरा ट्रिप जिसमें हम गढ़वाल को एक्सप्लोर करेंगे, और गढ़वाल में हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश और चारों धाम सब आते हैं। और ये चेक पोस्ट है, हरिद्वार।
भाई अभी अभी जस्ट एक्सीडेंट हुआ है। जैसे क्या बताया जाए, अच्छा नहीं लगता है देखकर एक्सीडेंट। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, और अब सामने भी पहाड़, इधर भी पहाड़, अब चारों तरफ पहाड़ पहाड़ दिख रहे हैं। और अब जाके दिल को सुकून मिल रहा है कि फाइनली पहाड़ों पे आ ही गए। गंगा नदी के पुल पे जय हो गंगा मैया।